हाँ भैया, तो इस सभा में हम मौजूद हो चुके हैं, इतने सारे लोग हमारे बीच में, अब इनसे जाने आगे को हाल का है, वो का स्थिति है, तो भैया बताओ का स्थिति है। इकलौते आदमी थे आम आदमी पार्टी से हमारे बीच में दिखाई पड़ रहे, केवल यही आम आदमी पार्टी की पूरी बागडोर संवार के हमारे बीच में है। यही बताएं कि आम आदमी पार्टी कितने ऊपर उठ रही है और कितने आगे बढ़ के इधर उत्तर प्रदेश में अपनों दमखम दिखा रही। अभी आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, अभी हमारे पूरे भारतवर्ष की जनता की बात है, समझ रहे ना आप। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गंगा का लाल बनकर मोदी जी आए तो थे गंगा रानी और अम्बानी के दलाल बनकर, गंगा का लाल बनकर, लेकिन के दलाल बनकर। बोलन तो लगे भी मंचन से के अडानी और अम्बानी के घर को पैसा निकाल, ये वातन में दम नहीं आ। अपने मुखारविन से कह रहा है कि अडानी हमारे अभी तो तुम्हारे नेता पे आरोप लगा रहे, जनता का नोट है, उसको कैसे मार नहीं जा रही है बताइए। अरे तो तुम्हारी नेता पे आरोप लगा रहे, सीबीआई ईडी कहां जा गई अब ये बताओ। आपने जमानत हो गई, हमारी पूरी जनता देख रही है, तुम कुछ नहीं हो, वॉशिंग मशीन हो, इधर से निकालते हो नहीं है। अडानी अम्बानी इस समय देश चला रहे। अच्छा, देश अडानी अम्बानी चला रहे, नाम प्रधानमंत्री अडानी अम्बानी बने हुए हैं। हाँ, मैं राम प्रकाश नड्डा बोल रहा हूँ, पूरे बताओ, बिल्कुल नए नए जवान खून लग रहे, पहली बार डाल रहेगा वो, पहली बार वोट डाल रहे, सही बताओ, गठबंधन पे पहला वोट गठबंधन पे, बिल्कुल साजी कहाँ से आए पहले तो जा बताओ, बिल्कुल जीत रहे, गारंटी 100%, 1000 1% जीत दीप जैन हमारे चाचा है हमारे, समझो चाची माफ नहीं करेगी, क्यों पता है आपको, पता है क्यों, वो ही राजा है, जो हमारी रानी, जो हमारी रानी लक्ष्मी, अगर जनता ने माफ कर दी जिंदाबाद। बताओ भैया कहाँ है, हमारा तो जो ही कैब है, हर चीज ना बता पे भाई साहब, गठबंधन सरकार हर चीज ना बता पे, तो जा तो मान ली। अब आप भैया हमारे बीच में कांग्रेस के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को बने हमें भाजपा बता दे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अरे वे तो मोदी मंत्री कौन होगा, क्योंकि क्योंकि नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। अरे वे जा रहे, नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था 75 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो भाजपा ये बता दे अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, हम लोग बता। चलो ठीक है, तो तुम्हें चाहे थे प्रधानमंत्री बना दो, अगले लोग के जितने बने कौन सो अच्छो लगो। नहीं, ये तो हमारी जनता चुनेगी, और दूसरी हमारी जनता को हमारा गठबंधन करेगा, हम लोग तो वोट डालने वाले लोग हैं। तो झोला उठाओ, घर को जाओ, लेकिन ऐसे नहीं, झोला भी चेक करेंगे, बिल्कुल सब जने कान लगा टीका लगाए तो भी कह रहे कहा दे दे उनने अनुराग शर्मा 10 साल से हमारे गांव में। अरे यार अभी राशन दे रही, राम मंदिर बनवा दो, सब कुछ तो काम करो, मोदी सरकार को 5 की जगह हम 20 किलो दे, हम टैक्सी चलाते, हम 20 किलो राशन दे, हमारे कहते चल मैं चलू करवे कम।
हेलो 20 किलो हम दे रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, जो लगाओ लगे हैं उनके 5 किलो। राम मंदिर बनवा दो, राम मंदिर से एक फायदा हमें बता दो, जनता को फायदा बता दो, एक फायदा। अरे यार अपने पूर्वज आ गए अंदर, पूर्वज है फिर वो तो ऊपर है, मंदिर बनाए जो गाय गाय को मार के इज्जत दो। पूर्वज गाय के देते पहले, पूर्वज गाय के देते हैं, पूर्वज कौन गाय दे। अरे मतलब एक कान लगा ना कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए, राम को तो राजीव गांधी ले आए थे टेंट में। अच्छा बड़ो ना, इतना चंदा इतना जरूर राम मंदिर के राजीव गांधी लाए थे टेंट में। हाँ ले आए थे, अब घर में तो ले आए, घर बनने बना दो, कोई एहसान कर दो। अरे मैं कह रहे हमने अच्छो बड़ो बना दो, का बड़ो बना दो, बेकारी भी बना दे। अच्छा बेकारी भी बना दे, जा बात तो सही गई के देखो राम मंदिर कौन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जो बेलो को छाल ले, जो आप क्या वो चाह रहे, सीधे सीधे सब तीन शब्दों को मुद्दा है, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब रोजगार, रोजगार के लाने देखो जो युवा ढाले, रोजगार के लाने बताओ कहा है के वो, जो पेपर कराओ यूपी पुलिस को, कराओ फिर प्रशासन की व्यवस्था देखो, पेपर लीक कैसे हो, अच्छा कैसे हो बताओ ना। सही बात है, 2000 में बिको पेपर, सही बताओ, जब तो लिखो लीक भाओ, आ जाओ कौन सही में पेपर बिको। अब यार पेपर नहीं बिको तो लीक कैसे है भाओ, दादा सही में पेपर बिको, यार लीक कैसे है भाओ, मतलब मोड़ी मोड़ा मरे जा रहे, मर गए मोड़ी मोड़ा, बाद भी पेपर बिक रहे, यार भाई साहब लीक कैसे है भाओ, गलत व्यक्ति लगवा रही सबको, वैक्सीन भी लगवाई, कौन सी हार्ट अटैक हो रहा है, कितने मर रहे, पहले जा बताओ तुमने लगवाई कि लगवाई हमने, जब तुमने लगवाई तो मैं गलत कैसे, हम ही मरे हुए वाले हैं बस, जब ये हार्ट अटैक आ जाए जबरदस्ती पकड़ के लगवा गए और गए। अगर अगर ट्रेन में अगर ट्रेन में भी जाती है, ट्रेन में भी जो कहते हैं डबल वैक्सीन को कार्ड दिखाओ, अगर ट्रेन में भी सफर करो तो जो कहते हैं डबल वैक्सीन को कार्ड दिखाओ, तो वैक्सीन तो लगवाने पड़ते हैं, आज वैक्सीन लग गई, वैक्सीन कार्ड से मोदी जी की वोटिंग कौन गोल करा दी उन्होंने, वोटिंग कौन गोल करा दी वैक्सीन पे, तो जब आपने लगाई तो जुम्मा ही लो ना आप उसकी, लेकर गए वैक्सीन पे बताओ। अब चाचा तुम बताओ कहाँ है हाल, इतने आम दो चाचा, अरे लोग तो जाते ना कनक, चाचा बताओ कहाँ से आए तुम, हम नहीं के हैं, नहीं क्यों की, अब एक 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 शब्द बोलना दूसरा नहीं बोलना, बोलो। देखो आज के टाइम पे एक गिरगिट है, और गिरगिट को गिरगिट कहना पाप है, और जो गद्दी है बैठा वो गिरगिट नहीं, रंग बदलने में उसका बाप है। काय जी का कह रहे चाचा, सही कह रहे हैं, अरे आओ चाचा इधर आओ सामने, बहुत सही बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं। आदमी तो लाल कपड़ा पहन के कदम संत बन गए, आपने तो दाढ़ी ही लाल कर ली, हम तो भैया सब रही लाल है, लाल ही लाल है, पूरा काम ही लाल है, देखो ऐसा है, यदि जीवन में कुछ कर सकता है तो वो केवल एकमात्र प्रत्याशी है प्रदीप जैन, वो तो सब ऐसा ही है, सब भुजबंदा है, का ऐसो का है प्रदीप जैन, का दिखा दा प्रदीप जैन में, वो है प्रदीप जैन, प्रदीप जैन वो नेता है जिस समय हमारे ग्राम राजापुर के अंदर लाइट नहीं थी, रक्षा राजापुर, वो प्रदीप जैन का शासन है, वो बैली भाई का शासन है जिसने राजापुर से खंभे रक्षा तक उल्टे गड़वाए थे। चलो भैया आम आदमी पार्टी, हाँ बताओ भैया, देखो जिला अध्यक्ष के संगे एक ही मिलो समर्थक, अब ये लोग अब आगे देखत का है, कितने समर्थक ने किया है बताओ भैया, का है क्या है, जहाँ से प्रदीप जैन है, प्रदीप जैन बिल्कुल है, तो फिर एक चीज बता दो छोटी सी, बिल्कुल झूठी ना बोलियो, मन जो गवाही दे प्रधानमंत्री की है, चाहू राहुल गांधी और केजरीवाल का करे गृह मंत्री और दिल्ली को संभाले, दिल्ली केजरीवाल, दिल्ली भी केजरीवाल संभाल ले, गृह मंत्री भी बन, बिल्कुल, अरे ऐसा नहीं होता है, देखो एक कछु बताओ, एक कछु बताओ गृह मंत्री हो रही है, गृह मंत्री बिल्कुल, और मुख्यमंत्री आएंगे सिसोदिया ये तो जेल में है, बाहर आएंगे काहे, फर्जी है, हैं केस फर्जी है, वो जेल में है, जब तक जेल में चना रहेगा और आना जाना हमारा बना रहेगा, जेल की चिंता नहीं है हमारी आम आदमी पार्टी को, लेकिन मैं बताता हूँ 10 साल में मोदी जी ने कैसी राजनीति की है, सुनाऊ क्या, देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, और आम लोगों का निकल चुका दीवाला है, सोने की दुकानों पर लोहे का ताला है, और अल्पसंख्यक हर रोज डर के माहौल में रहते हैं, सरकार बता दीजिए क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं, क्या यार गुरु तुम तो ले रहे यार सीधे सीधे यार, इतनी सारी कहां से सीखी, सही बताओ कभी अभी है देखा तुम, नहीं नहीं सही सही बताओ, मैं बताता हूँ,
ये शायरी हम बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन आज हमारी जनता बहुत परेशान है। नौजवान बच्चे डिग्री लेकर के चौराहे पे पकौड़ा तलने का काम कर रहे हैं। अच्छा जिला जिला अध्यक्ष आओ जमाइए इतनी कह रहे हैं। चलो हाँ बच्चे जी हैं हमारे बीच में समाजवादी पार्टी। यशपाल सिंह यादव ग्राम पठारी ब्लॉक वृद्धा जिला ललितपुर ललितपुर से यहाँ वृद्धा ललितपुर से का होता है की स्थिति होते की स्थिति ऐसी है की अगर किधर ये भड़िया लोग चोरी ना करें तो प्रतिदिन कम से कम 4 लाख वोटर और 5 भड़िया भड़िया आए खुद बीजेपी बीजेपी का हो यार ऐसी ना कहो यार भड़िया काहे के भड़िया का उठा लो तुम्हारे देश भड़िया ये इसलिए है कि जे कत्ते के 15-15 लाख हर किसान के खाते में 15 पैसा पहुंचे बताओ किसी के खाते। अरे यार जी बताओ तुम 15 लाख उनने देखो ना करो माइक तुम पने मोनो आप पहले सुन लो हां बताओ जे लोग बीजेपी वाले तम खुद हो तम भी मीडिया वाले क्यों अगर किधर सपा सरकार भज जाओ इतने बड़ा क्रम भाई तो तम इतनी बात उछलते के हद से भेजा जानी कह सकत गुरु जाठाली पूरी जनता निष्पक्ष जांच हमई और कर रहे बुंदेली वार्ता पे जो आरोप नहीं लग सकत पूरे इलेक्शन बुंदेली वार्ता निष्पक्ष निडर और निर्भीक होके पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग बुंदेली वार्ता की टीम पूरे पक्ष के साथ करे। हम आपको पक्ष ही ले रहे आप ही से कह रहे भैया भैया हमारी बात सुनो ओए भैया विधायक हते विधायक जी ने 10-12 मोड़ी मोड़ा कूचे थे भाई आदमी लोग मर गए थे वर्तमान सांसद बीजेपी के को ना हो तो बता दो अजय टहनी हती हाँ हाँ अरे तुमसे सुनने हम से नहीं सुनने अजय मिश्रा ने उनने 10 लोग कूचे थे और उनको जेल गए कौन बताइए आप जेल गए को सही है सही बात बीजेपी के लोग इतना बलात्कार और अत्याचार कर रहे कि इन लोगों के माँ कोई ठिकाना नहीं सपा सपा से का भज्जा हो कौन अगर किधर कर तो तुम लोग खा जाते उन लोगों को हम और काय खा जाते तुम लोग खा जाते मीडिया प्रभारी एक उनके बहुत बड़े पक्ष में पक जाते जे कह रहे हम बहुत दूर से आए तनक और से भी आगे से आए कितने से आए बहुत दूर के देख दूर तनक तनक देखो बच्चा घेरा बना लो जब ही मजा आए नहीं तो हम भाग गए लास्ट गांव है धौर्रा यूपी की लास्ट स्टेशन धौर्रा है वो आखिरी गांव है उतने इतनी खदानें हती बाहर के हजारों लोग वहां आते का ठीक है उतने पलटते रोजगार हतो आज खदानें बंद भय से वो लोग तो चले ही गए हमारे गांव के सारे लोग पलायन कर गए को बम्बई है को दिल्ली है मसाले टार रहे कौन मकानन में लगे बेचारे मोड़ी मोड़ा कहूँ है बाप मताई किताऊ है आज दुर्दशा जाएगा घरन में एक एक आदमी नहीं मिले तो काट के हमने पलायन को मुद्दा कम कर दो आप तो पतो करो ना कितनी खदानें चलती हमारे यहाँ इतनी खदान को पत्थर मथराव जमाने में जा तो कोटा राजस्थान जगह जगह जा आज जा पोजिशन है एक नग नहीं निकल रहा हमारे यहाँ पूरी खदानें बंद कर दें गई आज हमारे गाँव में जितने भी 20-25 गाँव लगे धौर्रा से सारे लोग पलायन कर चुके हैं आज बेरोजगार होगा कोई रोजगार नहीं है दूसरी बात हमारे ट्रेने चलती एक प्रदीप जैन ने भी हम उनको ट्रेन दी अरे वे तो कह रहे हैं हमने वंदे भारत चला दे अरे वंदे भारत रुक रही का यार कैसी बातें कर रहे यही तो बात है ना कि जहाँ जी ललितपुर के यही तो पागलपन है भाई रुक दे तो तुम तो चला दो शताब्दी पहाड़ पे हो चला भैया जे बढ़िया तो पाऊ में भाई हम बेट पाए जब हमारे एक ट्रेन नहीं है धोर रहा को 200 रुपया को पेट्रोल भर के हम लोग लेने को आ रहे अच्छा एक ट्रेन नहीं रोका ट्रेन नहीं है एक ट्रेन कौन ट्रेन नहीं रोका ट्रेन नहीं है 10 गाड़ी रुकती आज कहां है कहां है 200 को पेट्रोल भर के हम लोग लेने को आ रहे 200 को पेट्रोल भर है फिर 200 रुपया खर्च करें 400 रुपया कहां से आ रहा यार बताओ हम बेरोजगार अब देखो तनक जी देखो चश्मा आसमा लगा के आ गए बढ़िया लाल लाल तौलिया डाल के इतने आओ तनक कहता है आवड़ में आ देखो गुरु ढंग से हां अब बताओ का है फिर गठबंधन तो सुन ली देखो गठबंधन नहीं मैं ठाड़े दिल से बताजू बोलैया आनंद के तुम्हें प्रधानमंत्री कोई बन प्रधानमंत्री जनता तय करे वो अबे के भी से का उरो अबे से कहते हैं पता पड़े दूसरी जगह अब तुम ही कह रहे के दिल से जो जाने वो तो दिल से जब जान रहे तो केबी की जरूरत ही नहीं है तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये चाह रहा है तो वही तो जानने के दिल से कह रहा तुम्हें सकल देख कर नहीं दिख रहा कि ये चाह रहा है मुख्यमंत्री से बताओ ना डर काहे रहे डर काहे को रहे डर काहे को रहे अरे डरा काहे रहे देख तो रहे तो बता दो डर काहे को जब इतने है हमें तो कौन खा रहे हो डर खा ले दे बेरोजगार पहले देखो हम बताओ चाचा कहाँ से आए ललितपुर से ललितपुर की जनता बहुत आई है
तो का समझे ललितपुर में का है? बहुत परेशान है, भाजपा से कोई फायदा नहीं मिल रही है और बेरोजगार जनता है और जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है और जो लड़का पढ़ो लिखो है पेपर लीक कर देती है, कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। भाजपा कर रही है? हाँ, और परेशान तो एजेंसियन को मिला? नहीं 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 नहीं, जो लड़का पढ़ लिख रहा है उनके लिए कोई बेरोजगार में नौकरी नहीं मिल रही है उनके लिए। अच्छा जा बताओ आपके नेता कौन से वादे कर रहे हैं जो आपको अच्छे लगे? हमको अखिलेश यादव अच्छे लग रहा है, अखिलेश यादव अच्छे। केवल अखिलेश यादव? हाँ, कछु बात तो बता दो, आप पार्टी को पक्ष रखना है, आप पार्टी के पदाधिकारी हो। इतने इतने से मोबाइल दे दे और अपने अपने क्षेत्र को आदमी आवाज उठा रहा है, वो जेल में चलो जा रहा। परसों की पता है घटना ललितपुर क्षेत्र में, जो भाई है वो लड़का ने आवाज उठाई, सिर्फ इतनी पूछ रही कि सांसद जी विकास कहाँ है, तो भाई जेल करवा रही। अच्छा मतलब सांसद जी से सवाल पूछे सुबह जेल में डाल दे? तो तुम्हें पता ही है, तो देख लो का पता नहीं है? देखो हमें तो सब पता, हमें तो पता, सबको पता, सबको पता, केस लगवा दो जेल में चलो भैया। हम बोल रहे, अरे चाचा सबको मन छे दे आओ, तनक ऐसे फैलो, पहले ऐसे फैलो, अरे ऐसे फैलो, आओ चाचा। सरकार जो है ये ईमानदारों की सरकार है, इतनी ईमानदारों की सरकार है कि अभी शायद राम और कृष्ण भी नहीं होंगे ईमानदार। कौन सी? भाजपा की। सही सही बताओ और क्या? बिल्कुल सर, ईमानदार सरकार है। ये राम को लाए थे, इनने राम को पैदा किया था, हम लोगों के लिए राम ने पैदा किया था और कृष्ण ने पैदा किया था इनको। इनने राम को पैदा किया था, ये राम को लाए थे और राम का मंदिर बनवाया। मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी भारत ने मंदिर बनवाया है और सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, इन लोगों ने नहीं मनवाया। कहते अब जा बताओ कांग्रेस को कुए सपा तो बिलाद दिखा रही, अरे बहुत दिखा रही सपा, तुम हो कांग्रेस? अच्छा एक ही है, एक ही है। सब जने लाल तोलिया डाले, तुम्हारे दांत लाल जाना दिखा रहे हैं। दिखा दो बात, लाल ही है पूरा, लाल ही लाल, सही बताओ? लाल ही लाल हैं। ओए यार चश्मा लगा ले यार, तनक अच्छी लगन लगा। लाल चले होरे, हाँ जी आ गए, क्या लिखे जी? उसको चुने जो अपनी सुने, अपनी सुने। जब हाथ रहे, रुक जाओ, तुम्हारी की ने सुनी? हमारी हमारी नेताजी ने, चंद्रपाल सिंह ने सुनी थी? जब सुनी थी, जब हमारी अस्त जब गड़बड़ दिखानी, जब लोग सता रहे सवा रहे, तब ऐसे नेताओं ने सुनी जो शक्तियत मोहताज है, जो मोहताज है इस बुंदेलखंड का एक ही व्यक्ति है, जो बुंदेलखंड का एक ही व्यक्ति है वो है डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव। जीवन की सुनता है और इसीलिए प्रदीप जैन आज क्यों तारीफ कर रहे हैं, वो भी एक ऐसा व्यक्ति है कि गांव से उठा व्यक्ति, आज जो जो आज भारत देश का क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, जो जापान जापान को हराया है, ठीक है, और जो बुंदेलखंड का जो व्यक्ति है वो है डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, जो सबकी सुनता है, गरीबों की सुनेगा, अमीरों की सुनेगा, वो तत्पर एक समाजवादी कार्यकर्ता की तरफ हर वक्त प्रशासन से लेके हर व्यक्ति से लड़ने की क्षमता रखता है। चंद्रपाल जी हैं जब तक समाजवादी ताकत रहे और बढ़त जो है ताकत, बिना हाथ में गठबंधन हुआ इसलिए हुआ है कि बिना हाथ की साइकिल नहीं चले है, जब हाथ हुए जब साइकिल चले है, ठीक है। चलो अच्छा एक चीज बता दू, जे क्रिपको रिपको की बात कर रहे थे, कुआ है क्रिपको को चेयरमैन जी बता, कु ना बता दू क्रिपको को चेयरमैन कुआ है? अरे तुम बता दो कुआ है, तुम्हें बता दो, मजाक की बात नहीं है बच्चा, अरे बता दो यार। चलो चलो है कुआ है, तुम जाना दो ने, कब मिले हैं तुमसे? घरे आओ, तुम्हें सही सांस ही बताई कह रहे हैं रात के 12 बजे चंद्रपाल जी, रात के 12 बजे चंद्रपाल सिंह यादव, तो रात के 12 बजे बुंदेलखंड के धरती का नेता एक ही है। तो कहते को जो समीक्षा देखी जाए उमें चंद्रपाल सिंह यादव को ज्यादा हाथ रहे या प्रदीप जैन को रहे? सबके यहाँ चंद्रपाल को हाथ रहे जिताबे में। अच्छा यानी प्रदीप जैन से ज्यादा चंद्रपाल को हाथ? तो चंद्रपाल सिंह यादव। अरे दादा फिर उन्हें काय टिकट नहीं दो?